बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक सोडा कैन या कोला कैन से किस तरह एक बहुत ही प्यारा सा कैलीग्राफी पेन बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोई सा भी एक सोडा कैन या कोका कोला कैन और पेंसिल, बॉल पॉइंट, कोई सा भी मार्कर, परमानेंट मार्कर, एक्स्ट्रा पेंसिल्स या एक्स्ट्रा पेन जिसके बेस पर हम इस पेन को बना सकें, स्केल और E8000 ग्लू मैंने यहाँ यूज़ की है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसकी जगह टेप यूज़ करना चाहें या कोई और ग्लू यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हमने अपनी सोडा कैन को कट करना है और यहाँ से देख सकते हैं आप, मैंने इस कैन को कट करके इसके सरफेस को थोड़ा स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ कोई सा भी आप पेपर ले लीजिए और इन मेजरमेंट्स को बहुत केयरफुली फॉलो कीजिएगा। हमने 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बनाना है, जिसकी अभी लास्ट साइड को आप पूरा ड्रॉ नहीं करें। मिड में, सेंटर में एक 1.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से एक लाइन लगानी है, जिसकी हाइट जो है वो आपके पास 5.8 सेंटीमीटर होगी, जिसमें 2 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की विड्थ का पार्ट आ जाएगा और 3.8 सेंटीमीटर ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। अब ये जो मैं एक निब बना रही हूँ, ये 12 मिलीमीटर की निब की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो 12 मिलीमीटर की ऊपर मैंने मार्किंग्स कर ली। 6 मिलीमीटर एक साइड पे सेंट्रल मार्किंग की और 6 मिलीमीटर दूसरी साइड पे, आप लेबलिंग देख सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप दिया और इसके साथ ही नीचे से जो रेक्टेंगल की एंड है वहाँ से 1.4 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस छोड़ के पॉइंट्स लगा दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसके जो बिल्कुल लोअर एरिया है रेक्टेंगल के ऊपर वाला पार्ट, उसकी वर्थ को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है। बीच में हमें एक कर्व सा एक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, बिकॉज हमें अपने निब की सपोर्ट के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि इस एरिया को हमने बेंड करना है। अब आप देख सकते हैं मार्किंग, ऊपर वाला हिस्सा हमारा निब है, सेंट्रल वाला पॉइंट जो है वो हमारा बेंडिंग का है और लास्ट जो है वो बेस है, जिससे ये हमारा पेन जो है ये सिक्योरली बाइंड करेगा जो भी हमने बेस पेंसिल ली है या फिर हमने कोई भी बॉल पॉइंट का बेस लिया है जिसके ऊपर हम अपना कैलीग्राफी पेन का निब पेस्ट करेंगे। अब यही वाला स्ट्रक्चर आप डायरेक्टली इस जो टिन शीट है इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप उसी ड्राइंग को ट्रेस कर सकते हैं इस शीट के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें इसी की मेजरमेंट्स के अंदर इस जो टिन शीट है हमारी या जो कोला कैन की शीट है उसके ऊपर ड्रॉ करके हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जो हमारी बेंडिंग वाली लाइन्स हैं वहाँ से हमने इस डायग्रामिक स्ट्रक्चर को बेंड कर देना है, जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको बेंड कर दिया। अब जो हमारा लास्ट जो बेस में ट्रायंगुलर पार्ट है वो बेसिकली अटैच करने के लिए है, जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पेंसिल के ऊपर E8000 ग्लू इसकी एज पर अप्लाई किया और बेस वाले पार्ट को बेंड कर दिया और उसको मैंने सिक्योर करने के लिए टेम्प्रेरली वायर भी रैप कर दी। आप यहाँ स्कॉच टेप भी रैप कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को हमने बेंड नहीं करना, वो बस हमने अटैच करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक और भी सेम 12 मिलीमीटर वाली ही निब को मैं ड्रॉ करके यहाँ आपको दिखा रही हूँ। स्टेप्स को रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैंने जो बॉल पॉइंट यूज़ किया है उसमें इंक नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी इंक शो नहीं हो रही, जस्ट यहाँ पे इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है हमारा जो कोला शीट है उसके ऊपर। यहाँ मैंने कोई भी परमानेंट मार्कर आप ले सकते हैं, मैंने शार्पी मार्कर लिया है और एजेस के ऊपर ड्राइंग कर दी है और इसके बाद जो इस निब है इसको हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी डॉटेड लाइंस थी वहाँ से हमने इस निब को बेंड करना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर बेस एरिया है उस पर मैंने ग्लू अप्लाई की और इसको पेंसिल की जो एज थी वहाँ से मैंने रैप कर दिया और ग्लू जब तक सेट हो जाए तब तक मैंने यहाँ एक कॉपर वायर को रैप कर दिया। आप यहाँ पे कोई सी भी टेप को भी रैप कर सकते हैं ताकि इसके साथ जो ग्लू लगी हुई है वो सेट हो जाए। अब यहाँ हमने जो निब है उसको टर्न करना है और टर्न करने के बाद जो हमारा
ऊपर वाला पार्ट है वो भी हमें यहाँ पे उसको ग्लू के साथ थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करके सेट कर देना है। और मैंने यहाँ पे उस एरिया को भी वायर लगा दी है ताकि वो ग्लू जब तक ड्राई हो जाती है तब तक वो सेट रहे। अब ये जो हमारी निब है इसको मैंने रिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि इसकी एज को थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो एक सैंड पेपर लिया है। और सैंड पेपर पे आपने इसके बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ रब नहीं करना, बिल्कुल लाइटली आपने इसको टुवर्ड्स वन साइड पहले आपने 4-5 टाइम्स करना है और फिर टुवर्ड्स द अदर साइड 4-5 टाइम्स करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो निब टूट जाएगी, से बी वेरी वेरी जेंटल विद दैट सेंडिंग प्रोसेस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कैलीग्राफी पेन आपके पास रेडी है, आप इससे कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट शॉप में जाके इसी तरह का मेटल कैलीग्राफी पेन लेना चाहेंगे तो दैट विल बी अराउंड 1000 पाकिस्तानी रुपीस। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट सच ब्यूटीफुल कैलीग्राफी पेन इन लो बजट एट योर होम फॉर अराउंड 30-40 रुपीस ऑफ बजट, देन इट इज़ द बेस्ट ट्रिक टू गो विथ। एंड इन माय पर्सनल व्यू, जो कि एक बैम्बू कलम होता है, ये जो लकड़ी वाला कलम होता है, उससे ये जो मेटल कैलीग्राफिक पेन है या ये कोला कैलीग्राफिक पेन, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं आपको बताऊंगी 8mm की निब वाला कैलीग्राफिक पेन हम किस तरह से बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, जस्ट आपका अगर निब 10mm वर्थ का है या उससे छोटा है तो हमें सेंटर में एक कर्वेचर नहीं ड्रॉ करना। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बेस ड्रॉ करने के बाद ऊपर हमने बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिसकी विड्थ जो है वो हमारे पास 8mm या जितनी नेब आपको चाहिए उतनी होगी। सो इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं वो 5.8 सेंटीमीटर ही होगी लाइक बिफोर, और इट्स वेरी इजी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने नीचे बेस से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के डॉटेड लाइंस लगानी है जहाँ से आपने इसकी बेंडिंग करनी है। सो अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन निब है, दरमियान वाला बेंडिंग है और नीचे वाला बेस एरिया है। यही वाला स्ट्रक्चर मैंने एक टिन शीट या कोला शीट के ऊपर ड्रॉ किया, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके बाद इसकी जो बेस है उसके ऊपर E8000 ग्लू को अप्लाई करके पेंसिल की बेस पे रैप कर दिया, ऊपर वाले एरिया में जो डॉटेड एरिया है वहाँ पे बेंडिंग की है, और इसको हमने नीचे जो इसका टिप पार्ट है उसको भी हल्का सा ग्लू लगा के वायर से सिक्योर कर दिया है जब तक ये ग्लू के साथ सेट नहीं हो जाता। अब मैंने यहाँ पे सैंड पेपर से हल्का सा इसका सरफेस स्मूथ किया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कैलीग्राफिक पेन है। जस्ट डिप इट इन द इंक एंड यू आर जस्ट परफेक्ट गो विद इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने कॉमेंट्स ज़रूर बताइए कॉमेंट्स बॉक्स में, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।